मोदी सरकार ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने का ऐलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को राज्यसभा में रखा। वहीं इस प्रस्ताव के बाद कांग्रेस ने जमकर विरोध जताया। इधर इस प्रस्ताव को पेश किए जाने से पहले घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, जिसके चलते यहां पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई थी। साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया। वहीं इस फैसले के महबूबा मुफ्ती के ट्वीट कर सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 1947 में दो राष्ट्र के सिद्धांत खारिज करने और भारत के साथ मिलाने के जम्मू और कश्मीर नेतृत्व के फैसले का उल्टा असर हुआ। धारा 370 को भंग करने के लिए भारत सरकार का एक तरफा निर्णय गैर कानूनी और असंवैधानिक है। पूर्व सीएम ने धमकी देते हुए कहा कि उपमहाद्वीप के लिए इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। भारत सरकार के इरादे स्पष्ट हैं, वे लोगों को आतंकित कर जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र चाहते हैं। कश्मीर के लिए वादे निभाने में भारत नाकाम रहा। पूर्व सीएम ने कहा कि हम जैसे लोगों ने संसद में विश्वास रखा, लेकिन उस लोकतंत्र के मंदिर से हमें धोखा मिला है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।